हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवित नगवाल और आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। और हमेशा की तरह एक बहुत कमाल का एंडलेस, जिसको हम बोलते हैं स्पीकर पावर एम्पलीफायर आईसी एंडलेस नोट 4 का एक आपको वीडियो लेके आया है। थोड़ा यहाँ दिखाइएगा, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको इस बार दिखेगा थोड़ा लंबा एक स्कीमेटिक। मैंने यहाँ पर एक लेआउट बना के रखा हुआ है, जिसको मैं आपको यहाँ पर स्कीमेटिक के साथ में समझाने वाला हूँ। और यहाँ हम करने वाले हैं इसका साथ में प्रैक्टिकल, इसके सारे वोल्टेज, इसके जीआर, सारी चीज हम इसको यहाँ पर चेक करने वाले। इस वीडियो में बने रहिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे वीडियो हमेशा आते रहेंगे। आपने नहीं देखे हमारे वीडियो तो जाइए वीडियो लिस्ट में और देखिए क्या पुराने वीडियो में हमने क्या क्या दिखाया है। यहाँ पे दोस्तों एक फोन हमारे पास है ये, जिसमें रिंगर आईसी का फॉल्ट है। हमने रिंगर आईसी निकाली, उसको चेंज कर देते ना तो वो आईसी काम कर जाती। बट आपको ऐसा हो सकता है फॉल्ट ना आए, हो सकता है आपको आईसी चेंज करने के बाद भी रिंगर काम ना करे, हो सकता है कि उसमें ईएन सिग्नल का फॉल्ट हो सकता है कि उसमें ऑडियो इनपुट हो। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि आईसी चेंज कर देते हैं और नहीं होता है तो फिर वो उस बोर्ड पे काम नहीं कर पाते, या अधिकतर लोग मैंने देखा है सिर्फ ईएन सिग्नल तक जाते हैं। मैं इसका इनपुट आउटपुट, आपके ईएन सिग्नल, इसके रेफरेंस, सब कुछ आज आपको बताने वाला हूं। आज कंप्लीटली इसको ओपन करने वाला हूं इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, पहली बता देता हूं, क्योंकि वीडियो को देखने के लिए अपना दिमाग और कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा दोस्तों। और इस वीडियो को कंपेयर कीजिए आप अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग सेक्शन से, जो आप सीख रहे होंगे किसी स्कूल से या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो खुद देखिए क्या वो आपको इस लेवल तक पढ़ा रहे, बिल्कुल नहीं। वैसे भी आप खुद जान दोगे, अपने अंदर से आत्मा से पूछिए कि कितना आप ऑनलाइन सीख चुके हैं। तो ये एक ऑफलाइन काम है और मैं आपको इससे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एशिया टेलीकॉम ऑनलाइन नहीं पढ़ाता है। हमको बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, फीस क्या है। प्लीज हमें उसके लिए कॉल मत कीजिए, हमें उसके लिए मैसेज मत कीजिए। हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं और न ही हमारा ऐसा सोचना है कि हम अभी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये हार्डवेयर का कोर्स है और इसको हार्ड वर्क ही रहने दीजिए, मतलब इसको बिट प्रैक्टिकल ही रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, सबकी बातों पे नहीं आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आपको मैं आपको बताऊंगा एक स्पीकर एम्पलीफायर आईसी, ये सिर्फ नोट 4 से नहीं जुड़ा है दोस्तों, ये जुड़ा होगा आपका एक स्पीकर एम्पलीफायर आईसी से, जिसमें आप आईसी के इनपुट आउटपुट, उसके रेफरेंस, उसका ग्राउंड, उसका वीसीसी, बहुत सारी चीजें आप इसमें समझेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो में आप सीखने वाले हैं बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों आ गए हम अपने एक सेक्शन पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक आईसी दिखाई दे रही है जिसका नंबर है AW87318CSR। ये आईसी हमारी स्पीकर नोट 4, यहाँ पे मैंने नोट 4 बना के रखा हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आप मिस कर जाएंगे अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे। तो दूसरी बात, यहाँ मैंने एक और आईसी इसके साथ में बना के रखी हुई है जिसमें मैंने नंबर लिखा है K318। मैं आपको बता दूं कि जो अभी मोस्टली सब आपको आईसी मिलेंगी वो मिलेंगी आपको K318 आईसी, आपको ये आईसी मिलने वाली है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस फोन में जो हमारे पास ये फोन है, यहाँ पर कौन सी आईसी लगी हुई है। देखिए हमने इसकी आईसी निकाल के रखी हुई है, हम इसकी आईसी लगा देते तो ये फोन का रिंगर चालू हो जाता तो सिर्फ हमारा काम हो जाता। पर हम चाहते हैं क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट, आप जो वीडियो देख रहे हो एक इंस्टीट्यूट का वीडियो है और हम दिखाना चाहते हैं कि क्या वाकई में हम आपको कितने लेवल तक सिखा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम इसका पूरा इनपुट दिखाएंगे दोस्तों। इस आईसी में कुछ ज्यादा काम नहीं, इस आईसी का ही काम है, पर मैं आपको इसकी पूरी सप्लाइयां ट्रेसिंग के साथ में आपको समझा रहा हूं। साथ में हम इसकी पावर आईसी को निकालेंगे। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम जब ऑडियो का काम कर रहे हैं तो पावर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि भैया अब कॉलकम की बात हो या आपका मीडियाटेक की बात हो या एसपीडी की हो, सीपीयू वाइज काम होता है। तो हम ये बताएंगे आपको कि हमारे फोन की जो पावर है वो एक्चुअल सिर्फ पावर नहीं है, वो पावर प्लस एक ऑडियो एम्पलीफायर आईसी भी है। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसका काम करेंगे। यहाँ पे आप ये आईसी को डिटेलिंग देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे आपको 14 बॉल की यहाँ पे आईसी, थोड़ा पास ला के दिखाइए, यहाँ पे आपको 14 बॉल का आईसी दिखाई दे रहा होगा। अगर सपोज देखिए आप यहाँ पर भी दिख रहे होंगे, कहीं आपको नोज कट पॉइंट के लिए नहीं दिख रहा है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर जब आईसी निकाल देते हैं तो नोज कट पॉइंट हमें पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर जब आप क्लास आओगे तो सीखने को मिलेगा। यहाँ दिखाइए, तो अब इसमें कौन सा सर्किट है, सर्किट 1 और ये हमारा सर्किट 2। अब क्यों मैं एक ही रिंगर आईसी को सर्किट 1 और सर्किट 2 कह रहा हूं, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ लाइट आईसी में भी 9 बॉल की सर्किट में भी कितने सर्किट होते हैं। सिर्फ एक सर्किट को समझा देना भी एक मुझे नहीं लगता सही बात होगी। अगर समझा रहे हैं तो पूरे लेवल का ही समझाना आपको पड़ेगा। आइए यहाँ पर,
तो मैंने रीजन है, मैंने सर्किट को बहुत डिटेलिंग में यहाँ पे बनाया हुआ है, पर एक्चुअल में जो हमारे फोन में सर्किट लगा हुआ है वो लगा हुआ है सर्किट टू। और ये कब पता चला, जब मैंने खुद इसको प्रैक्टिकल चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरे में सर्किट टू लगा हुआ है। अच्छा चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा कंप्यूटर में दिखाइए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर नोट फोर का स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करके रखा हुआ है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, थोड़ा पास लाइए, ये देखिए यहाँ पर है रेडमी नोट फोर, आपको क्वालकॉम वर्जन 2। यहाँ पर आपको तो पता ही होगा कि जो नोट 4 है ये दो बोर्ड में आता है, एनटीके और क्वालकॉम में। तो ये हमारे पास क्वालकॉम का बोर्ड है, क्वालकॉम जो सीपीयू स्नैपड्रैगन जो सीपीयू इसके साथ लगा हुआ प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इसके स्कीमेटिक हमने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने दो चीज ओपन करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं लेआउट, ये एक्चुअल में ये लेआउट है। तो यहाँ पर अगर मैं इस लेआउट की बात करूं तो ये अपना फ्रंट लेआउट है और ये अपना बैक लेआउट है। तो बेसिकली आप इसको फ्रंट और इसको बैक भी बोल सकते हैं। और जो हमारा मेन आईसी लगा हुआ है वो हमारा आईसी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा वो आईसी हमारा, देखिए ये लेआउट को हमें यहाँ से इसको करना है इधर, और ये आईसी हमारा लगा हुआ है U2000। दिस ये हमारा, दिस इज आवर स्पीकर पावर एम्पलीफायर आईसी, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक निकला हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके तो बेसिकली आप देखेंगे कि जिस तरह से डिजाइन है लेआउट, उसी तरह से पीसीबी डिजाइन होती है, तो इसी इसको लेआउट बोलते हैं, क्योंकि जो जिस तरह से इसको बनाया है उसी तरह से इसको यहाँ पर हम रखते हैं। तो बेसिकली इस पर जो नाम लिखे हुए हैं वो नाम है कंपोनेंट फाइंडर। जैसे हम इसको सपोज अगर मेरे पास स्कीमेटिक होता है तो मैं चाहूँ तो U2000 का नाम फाइंड में करके इसका आईसी का डिटेलिंग ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे पता करना है ये आईसी कहाँ, इसका डिजाइन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका इंटरनली टेक्निकल वे कैसा है, कौन सी सप्लाई क्या काम करती है, क्योंकि यहाँ तो आपको ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा होगा। तो अब हम अगर C6MB में जाएंगे तो यहाँ पर अगर मैं देखिए मैं कंट्रोल प्लस एफ दबाता हूँ और मैं लिखूंगा U2000। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा पास लाइए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं U2000, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर देखिए ये आईसी आ गई यहाँ पर। तो ये आईसी हमारी U2000 आ गई, पर यहाँ पर जो आईसी इन्होंने अपने बोर्ड में दिखाई है ये है AW87318CSR, और दोस्तों जो इसमें लगी है वो लगी है अपनी K31A। दोनों में अंतर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा पास लाइए, यहाँ पर इस आईसी का मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। इस आईसी में जो इनपुट दिया हुआ है यहाँ पर दो पावर का, जो जहां पर जो ऑडियो की फ्रिक्वेंसी का जो इनपुट दिया हुआ है सीरीज में कैपेसिटर के साथ में, वो दिया हुआ A1 और A2 में। बट जो आपका इस सर्किट में है, ये सर्किट में आपको यहाँ पर जो इनपुट मिल रहा है ये मिल रहा है आपको A1 और यहाँ पर B1 के साथ। तो दोस्तों यहाँ एक थोड़ी दिक्कत हो गई है, जब हम इस सर्किट को ओपन किया था तो हमें लगा कि सर्किट के साथ है, बट इसलिए कह रहे हैं कि स्कीमेटिक सिर्फ आपने एक बार नहीं सीखना है, और कम टाइमिंग में तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता है, थोड़ा टाइमिंग भरेगा तो ही ज्यादा अच्छा आपको पता चलेगा कि कितना वेल आपको एक्सपीरियंस सिखा रहे हैं। सिर्फ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या टीचिंग आपको मिलने वाली है वो भी प्रेजेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर चलिए इस सर्किट को पहले से जानते हैं और देखते हैं कि क्या ये सर्किट वाकई में ये है, और फिर ये नहीं है तो ये क्या है, आइए थोड़ा पास। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहां से दिखाइए थोड़ा सा। ओके तो ये आईसी का सर्किट है, ये है 14 वोल्ट का आपका रिंगर आईसी। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की नंबरिंग की हुई है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। बट मुझे लगता है कि हर चीज में वीडियो बनाना ठीक नहीं रहता है, आप इंस्टीट्यूट आएंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना सब कुछ तो बता ही रहे हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मिल जाएगा। दोस्तों कब तक इंतजार करोगे, तब तक तो 5G भी आ जाएगा। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, मैं सच बताऊं पीछे हो जाओगे यार। चलिए छोड़िए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिटेलिंग करता हूँ कि मैंने यहाँ पे डाली है मेन एक पावर आईसी, यहाँ पे भी मैंने पावर आईसी डाली। आप देख रहे हो कि पावर आईसी में यहाँ पे ऑडियो आईसी और ऑडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने डाला है सीपीयू, जिसमें यहाँ पे ईएन सिग्नल बताया है, और यहाँ पे मेरा है बेसिकली नीचे का पॉइंट, जो नीचे हमारे कनेक्टर के साथ में जिसको आईपीसी का केबल के थ्रू यहाँ से बाईपास किया हुआ है। और ये कनेक्टर पे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 10, 9, 8, 7 दो दो यहाँ पे सप्लाई पे मिल रहा है, दो दो पिन पे यहाँ पे मिल रहा है, 4 पिन पे टोटल यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि एक पिन दोस्तों क्या होती है, ये सेंस की सप्लाई होती है, जो स्पीकर ये प्लस सेंस है, स्पीकर नेगेटिव सेंस है, हाँ दोनों ही प्लस प्लस होते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं सबसे पहले यहाँ की बात करूं तो यहाँ दोनों पर GR आता है और दोनों ही प्लस प्लस होते हैं और दोनों पे वोल्टेज होते हैं। दोनों के वोल्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो 1.2 वोल्टेज से 3 वोल्टेज के बीच में होगा। जनरली जो यहाँ पे वोल्टेज आता है वो 2.8 वोल्टेज आपको मिलता है, पर वो तभी मिलता है दोस्तों जब वो सर्किट एक्टिव होता है। समझ में आ रहा है आपको, एक्टिव
तो जब एक्टिव होगा तो ही ये सर्किट होगा। तो एक्टिव होने के लिए क्या काम करता है, ये आईसी काम करता है। अगर आप पूछेंगे सर ये आईसी क्या काम करता है, तो इस आईसी की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको इस आईसी की डेफिनेशन बताता हूं। इस आईसी को बेसिकली हम कहते हैं स्पीकर पावर एम्पलीफायर। दोस्तों ये अब देखो आप देख रहे होंगे कि ऑडियो भी लगी है, फिर भी रिंगर आईसी लगाने की क्या जरूरत है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी पैदा करता है, रिंगर उसको पावर एम्पलीफाई कर रहा है। अगर रिंगर नहीं होगा तो आप देखेंगे बहुत हल्का सा आवाज तो आएगा, तब भी आएगा, पर जिंग लाइक कुछ आवाज फ्रिक्वेंसी के साथ में आएगा। ये उसको एम्पलीफाई करता है और उसको बूस्ट करके आपको आउटपुट में बना के देता है। सो इसका कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ एम्पलीफिकेशन है। हम इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको बाईपास करेंगे तो इसके लिए भी आपको एक आईसी चाहिए ही चाहिए, मतलब आईसी से आईसी ही बाईपास होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस आईसी को हटा दिया और यहां से लेकर यहां पर जंपर, क्योंकि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो यहां से लेकर यहां पर जंपर मार दिया और यहां से आपका काम हो गया। नहीं, क्योंकि यहां पर इसको पावर एम्पलीफायर, ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर भी शब्द जो जाए पावर एम्पलीफायर, हम उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफिकेशन। So, दोस्तों यहाँ पे पावर एम्पलीफायर है तो ये एम्पलीफिकेशन करता है और एम्पलीफिकेशन को कभी बाईपास नहीं किया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए इस आईसी को थोड़ा बताते हैं। आप देख रहे होंगे कि नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से आपकी जो सप्लाई जा रही है, यहां से दिखा दीजिए जरा। यहाँ पर देखिए नीचे से, यहाँ हमने स्पीकर इस तरह से लगा हुआ है। यहाँ से जो दो सप्लाई जा रही है सीरीज में, यहाँ पे 0 ओम्स के फ्यूज रजिस्टर लगे हुए हैं। इस केबल से होते हुए यहाँ पर ये आपके इस एपीसी कनेक्टर से होते हुए कॉइल से होते हुए, जो सीरीज में 2 कॉइल लगी हुई है, जुड़वा जिसको मैं चप्पल बुलाता हूँ, यहाँ से होते हुए दिखाई यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर हमने 2 फ्यूज रजिस्टर लगाए हैं, यहाँ पर 2 कॉइल लगाए हैं। चलिए इतना सर्किट तो नॉर्मल है, इतना बेसिक तो लोग पढ़ा ही देते हैं और कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब में भी देखा होगा। अब चलिए इसका बाप को थोड़ा, इसका बाप शो करते हैं कि भाई सर्किट का बाप कैसा है। देखिए बात करते हैं कि यहां तक तो यार ये तो बिल्कुल बच्चा सर्किट है, यहां तक तो लोग बना भी लेते हैं। जनरली ज्यादातर फॉल्ट क्या होता है कि केबल में खराब हो जाने के कारण स्पीकर नहीं चलता है, तो जनरली लोग क्या करते हैं यहां से एक उठाकर जम्पर यहां डाल देते हैं, या कई बार लोग क्या करते हैं कि ये पॉइंट को पता कर लेते हैं तो यहां से एक जंपर उठा के यहां डाल देते हैं। कई लोग, कई बार क्या होता है ये जो फ्यूज रजिस्टर होता है ये ओपन हो जाता है। फ्यूज रजिस्टर दोस्तों एक फ्यूज रजिस्टर एक प्रोटेक्शन, एक सर्किट है एक तरह से, ये आपके सर्किट को प्रोटेक्शन करता है। बहुत अलग अलग इसके काम होते हैं, आप कभी क्लास आएंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में इसको समझाऊंगा, बिट प्रैक्टिकल। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये तो एक सर्किट आपने समझा, कि मेरी बात ये है कि भाई मेरा यहां से स्पीकर यहां से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां से जो मेरा स्पीकर जुड़ा हुआ है वो फिर मैंने सर्किट यहां से बनाया हुआ है, यहां से सर्किट को यहां पर, ये बेसिकली एक आउटपुट है इस आईसी का। इस सर्किट में आप देख रहे होंगे 2 कॉइल दिख रहे होंगे, ये 2 कॉइल यहां पर दिखाइए, तो यहां पे देखेंगे ये 2 कॉइल आपको यहां, ये 2 कॉइल दिख रहे होंगे, ये सीरीज में लगे हुए, सीरीज कनेक्शन में लगे हुए हैं। ज्यादातर ये कॉइल भी ओपन हो जाते हैं, अगर ये कॉइल ओपन हो जाए तो आपका जो स्पीकर है वो काम करना बंद कर देता है। तो मैं आपको, तो स्पीकर के कॉइल बेसिकली क्या काम करता है दोस्तों, स्पीकर है ना एक तरह से करंट का बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंसिंग कुछ नहीं कर रहा है, जो करंट यहां पर आ रहा है वही करंट को यहां भेजने का काम ही ये कॉइल कर रहा है। और ये जो इंडक्टर होता है ना दोस्तों, ये नॉइस को रिड्यूस करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस इंडक्टर को हटा के यहां से यहां पर जंपर लगा दोगे सो ये तो ठीक है, रिंगर आपका काम कर देगा, पर हो सकता है नॉइस में रिडक, आपका नॉइस में फ्लक्चुएट हो, फ्लक्चुएशन हो, मतलब आप नॉइस में थोड़ी सी आपको आवाज डिस्टरबेंस सुनाई दे। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे टाइम पे आउटपुट में लगे हुए कॉल को जंपर या बाईपास कभी मत कीजिएगा, ऑलवेज उसको एक रिप्लेसमेंट ही जरूरत होती है प्रॉपर, अगर सर्किट को आपको बनाना है तो। सो चलिए अब बात करते हैं, तो यहां पर आपने देखा होगा कि B4 और D4 इसके आउटपुट होते हैं, तो ये इसके आउटपुट की सप्लाई है, B4 एंड D4 ये इसके आउटपुट की सप्लाई है। चलो यहाँ पे सर्च करते हैं क्या वाकई में D4 और B4 इसके आउटपुट की सप्लाई है। देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को कहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ मैंने इसको, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी मोड यूज कर रहा हूँ, मैं डायोड मोड यूज नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे बी मोड पे मैंने लगाया हुआ है मल्टीमीटर को और इसको मैंने कर दिया है ऑन। तो यहाँ पे दिखाइए, तो ये इसका, ये हो गया इसका ABCD। तो बेसिकली अगर ये हम बात कर ले तो ये इसका B1 हो गया है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया इसका B4 और ये हो गया इसका D4। तो हम इसको मिलाते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये सर्किट यहाँ से जा रहा है और ये सर्किट यहाँ से जा रहा है, देख रहे हैं आपको। तो बेसिकली यहाँ और यहाँ से ही दो कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये आईसी से अंदर से इंटरनली कनेक्टेड है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम बार बार आईसी चेंज करते हैं फिर भी नहीं होता है, आपने अंदर तक कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब यहां पर बात करेंगे सर जीआर कितना आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईसी निकाल देते हैं तो यहां पर जो जीआर होगा वो आपको ओएल मिलेगा। ओएल क्या होता है इसको डिटेलिंग में आगे कभी करूंगा, तो ओएल आपको जीआर मिलेगा और ओएल का मतलब ओपन नहीं होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो चलिए इस आईसी पे इतनी डिटेलिंग आपको पता करी आपको पता चली तो चलिए इस आईसी में इतनी डिटेलिंग आपको पता चली कि ये कॉइल किस तरह से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे आते हैं और यहाँ पे पता करते हैं उसके बाद क्या है। हमारा इतना सर्किट तो सही है, चलिए ठीक है, मतलब हमारा एक तरह से आउटपुट लाइन बिल्कुल सही है, सर्किट में ही प्रॉब्लम है, हमारे तो आईसी में प्रॉब्लम है, ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। दोस्तों इस आईसी में क्या क्या चीज जरूरी है, बहुत सारी चीज जरूरी है। पहला इनपुट टू इनपुट यहाँ पे पावर आईसी से इस बाया एक सीरीज में कैपेसिटर से, देखिए यहाँ पे ऑडियो की फ्रिक्वेंसी आ रही है, कैपेसिटर वोल्टेज को पास नहीं करता है, कैपेसिटर ऑलवेज फ्रिक्वेंसी पास कर देता है, फ्रिक्वेंसी को पास करता है, वोल्टेज को कैपेसिटर फिल्टर करता है, पर फिल्टर कभी करता है जब वो पैरेलल लगा हो, क्योंकि यहाँ पे सीरीज लगा है तो यहाँ पे ऑलवेज है। अगर आप इस सर्किट को ऑन करेंगे दोस्तों, क्योंकि A1 पे अगर आप कभी वोल्टेज चेक करेंगे तो सबसे पहले आप GR चेक करेंगे तो यहाँ पर GR भी यहाँ पे आपको ओपन मिलेगा, दैट मीन मिलेगा। अगर आपको वोल्टेज चेक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको वोल्टेज भी आपको 0-0 मिलेंगे, बट अगर इस कैपेसिटर के इस सिरे पे चेक करेंगे वोल्टेज आपके यहाँ पे 0 ओम्स के रेजिस्टर के साथ, तो वोल्टेज 0.7 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो 0.7 कहीं कहीं है वोल्टेज आपके फ्लक्चुएट होकर 1.1 और 1.2 तक भी जा सकते हैं। सो ये वोल्टेज आपको कहां से मिलते हैं, PM। तो ये हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि अगर यहाँ पे आपको इनपुट में इसकी सप्लाई नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि पावर आईसी का फॉल्ट है, तब आपको यहाँ पे काम नहीं करना है, तब आपको यहाँ पर काम करना है, दैट मीन ये पावर आईसी आपकी खराब है। चलिए ठीक है, अब इसमें बाकी का काम क्या है, तो बाकी के काम इस आईसी को एक्टिव करने के लिए बेसिकली जो मेन वोल्टेज होता है वो वोल्टेज यहाँ पे VCC देता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शुरुआत से कि यहाँ से हमने आउटपुट की लाइन पे सर्च किया, ये है हमारा इनपुट की लाइन, इनपुट की लाइन पे आप देख रहे होंगे कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में दिख रहा होगा, और बेसिकली यहाँ सर्किट में इनपुट की लाइन है A1 और यहाँ पर A1 और A2। मैं यहाँ पर आपको इनपुट की लाइन आपको सर्च करने वाला हूँ, पर एक बार उसे दिखाने से पहले मैं कंप्लीट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या लाइन हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि ये सर्किट इसका है ही नहीं, यहाँ पर है सर्किट ये इसका। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि दोस्तों इस आईसी को एक्टिव करने के लिए A3 और B3 पे एक कैपेसिटर से ये वोल्टेज कैपेसिटर होता है जिसको पावर आईसी से यहाँ पर आपको लगभग 4 वोल्टेज के बराबर मिलते हैं, 4 से 4.5 वोल्टेज इसको यहाँ पर पावर आईसी से मिलते हैं। इस लाइन को आप BBAT लाइन भी बोल सकते हैं, इस लाइन को BPH लाइन भी आप कह सकते हैं, BPH। कई फोनों में अगर बैटरी कनेक्टर से जुड़ी हुई है तो ये BBAT लाइन है, और अगर ये नहीं जुड़ी हुई है तो ये BPH की लाइन ही होती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आइए जरा यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ खाली खाली बैटरी लगा देते हैं। देखिए मैंने सिर्फ बैटरी लगाई है, यहाँ पे दिखाइए नीचे फोन पे, देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ बैटरी लगाई है, और यहाँ पे मैं वोल्टेज की बात करूंगा, मल्टीमीटर को यहाँ पे मैंने वोल्टेज पे डाला, देखिए 20 वोल्ट पे डाला मल्टीमीटर को यहाँ पर, और देखिए मैं इस लाइन पे जो मेरा ये लाइन है, तो यहाँ पर ये जो मेरा है ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा, तो देखिए यहाँ पे दिखाइए, तो देखिए 4 वोल्टेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कैपेसिटर दिखाइए, तो यहाँ पे देखिए 4 वोल्टेज में आपको ये कैपेसिटर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दिखाइए, ठीक है देखिए यहाँ पे आपको 4 वोल्टेज में कैपेसिटर दिखाई दे रहा होगा, दिखाइए यहाँ पर, ठीक है मैं प्रूफ वोल्टेज लगा हूँ इसलिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बेसिकली 4 वोल्ट की, जैसे कि मैंने बताया ये इसका है ही नहीं सर्किट दोस्तों, इसका सर्किट ये है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, थोड़ा टेक्निकल वीडियो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसे ही कुछ नए वीडियोस है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं कि अगर बेसिकली ये आईसी लगी होगी तो A3 और B3 इसका सर्किट होता है, 4 वोल्टेज के साथ में पावर आईसी आती है। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको A3 और B3 थोड़ा सा पास में यहाँ पे लाइए, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A3 और V3, यहाँ पे VDD दिख रहा होगा, VDD मतलब यहाँ पे ये देखो VPH पावर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वोल्टेज पंप पावर, और यहाँ पे 0 ओम्स के रेजिस्टर के साथ 2 फिल्टर कैपेसिटर इन्होंने लगा के रखे हुए हैं, और ये A3 और V3 में लगा के रखे हुए हैं। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कि A3 और B3 में आपको 2 कैपेसिटर, यहाँ देखो ये दोनों बेसिकली आपस में ज्वाइंट होते हैं A3 और B3। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आइए जरा यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर A3 और B3 करता हूँ, भैया मेरा ये नोज कट पॉइंट है, तो ये मेरा यहाँ पर ये नोज कट पॉइंट है, तो ये A1 और A2, तो ये दोनों आपस में बीप देना चाहिए। तो यहाँ पर दिखाइए, देखिए मैंने यहाँ पर बीप मोड पे लिया, देखिए बीप आ रही है, अब दिखाइए यहाँ पर, देखिए बीप आ रही है यहाँ पर, तो ये दोनों मेरे बीप देना चाहिए, देखिए देखिए क्या दे रहे हैं, क्या बिल्कुल नहीं, जबकि मेरे ये दोनों बीप दे रहे हैं। सो सर्किट का नॉलेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कीमेटिक हो तो ही हो, सर सर्किट का नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि सर आप स्कीमेटिक बना लो, उसके लिए क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका जो इनपुट है BBAT का वो C1 और C2 है, ना कि A2 और A3। बेसिकली यहाँ पर देखिए ना कि A3 और B3 है, अच्छा A3 और B3 है, चलो A3 B3 में देख लेते हैं, मैंने A1 और A2 और A उसमें देखा है कंटिन्यूटी। तो देखिए ये दोनों आपस में देखते हैं कि क्या बीप मार रहे हैं, क्या देखिए क्या बीप मार रहे हैं, देखिए थोड़ा पास से दिखाइए, देखिए क्या बीप मार रहे हैं, क्या बिल्कुल नहीं मार रहे हैं, जबकि ये बीप मार रहे हैं यहाँ पर,
ये बीप नहीं मार रहा है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये सर्किट हमारा सही है, पर जीआर चेक कर लेंगे, तो एक बार इसके सर्किट के हिसाब से जीआर चेक कर लेंगे, और जीआर चेक करने के बाद मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, और वो वोल्टेज चेक करने के बाद इस आईसी का पावर एसी निकाल के मैं आपको सर्किट के ऑडियो आईसी के इनपुट के साथ में कंटिन्यूटी बताऊंगा फिर, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि वाकई में सर्किट ट्रेसिंग हो तो ऐसी हो, वरना नहीं हो। चलिए देखें, तो दोस्तों आपने समझा होगा कि इस आईसी में क्या क्या यहाँ पर क्या गेम हो रहा है। बेसिकली इसका जो मेन गेम है, इस आईसी का आउटपुट बनाना है, तो ये लाइन प्रॉपर यहां से लेकर इस आईसी का यहां तक ना कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। मैंने जैसे बोला कि कॉइल नहीं हटाओ, क्योंकि कॉइल इंडक्टर होते हैं, नॉइज को रिडक्ट करते हैं, नॉइज मतलब जो अलग से नॉइज आती है उसको जो नॉइज आती है उसको कैंसिल कर, अगर आप इसको जंपर मार देंगे तो वो हो सकता है आपको गड़बड़ आए कुछ, कई लोगों के चल भी जाते हैं, पर बाद में हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेम टाइम होगा। और ये आपके आउटपुट हो गए, यहाँ पे इनपुट हो गए, जो आपके पावर की ऑडियो की फ्रिक्वेंसी मिलती है, ऑडियो की फ्रिक्वेंसी मिलती है, इसका मतलब ये है कि पावर ऑडियो आईसी का काम फ्रिक्वेंसी देना है, ऑडियो का वो एक फ्रिक्वेंसी बना के देता है, और ये आईसी उसको एक तरह से एम्पलीफाई करके वोल्टेज में पैदा करके, और वो यहाँ पे ऑडियो फ्रिक्वेंसी प्लस वोल्टेज दोनों दे देता है, जो कि यहाँ पर 2.8 वोल्टेज से समथिंग होते हैं, जो कि एक्टिव करने के टाइम पे आते हैं, ठीक है। इस आईसी को यहाँ पे ग्राउंड डाला गया है, और बेसिकली यहाँ पे जो ग्राउंड डाला गया है वो C2 और यहाँ पर आपको D3 के साथ में यहाँ पे ग्राउंड डाला गया है। मैं आपको यहां से दिखाना चाहता हूँ, देखिए, तो इस आईसी के साथ देखिए, तो यहाँ पर देखिए C2 आपको ग्राउंड दिख रहा होगा, एक C4 आपको ग्राउंड दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दिखाइए, देखिए C2 यहाँ पे मैंने ग्राउंड डाला हुआ है, C4 मैंने यहाँ पर ग्राउंड डाला गया है, यहाँ दिखाइए, और दोस्तों यहाँ पर ये जो D3 है, D3 दिखाइए, D3 दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस कैपेसिटर, जो कि 10 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे दिखाइए D3, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कैपेसिटर, यहाँ पे 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है, 4.2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, 10 वोल्ट की इसकी झेलने की क्षमता होती है। मतलब ये कैपेसिटर क्या कैपेसिटर होता है सर, अगर आप अपना जनरेटर, या हम बात करें अगर आप अपनी मोटरसाइकिल चलाते हो ना, मोटरसाइकिल में आप जो डीजल पेट्रोल डालते हो, वो पेट्रोल कहाँ कंज्यूम होता है, कहाँ होता है वो पेट्रोल आपका कंज्यूम होता है, आपका जो आपकी मशीन उसको यूज करती है, और उसका जो डैमेज या हम बताते कचरा या उसका जो धुआं वो निकालता है साइलेंसर। अगर साइलेंसर को चोक कर दिया जाए तो आपका बाइक चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर इस कैपेसिटर को निकाल दो है ना, तो आपका सर्किट उस समय तो ठीक रहेगा पर बाद में हीट करेगा और उसकी वजह से पावर आईसी को डैमेज करेगा। यहाँ दिखाइए, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं वो सर्किट बताऊं, तो वो सर्किट आपका यहाँ पर ये कैपेसिटर है, देखिएगा ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसका एक सिर देखिए यहाँ पर ट्रैक भी जा रहा है और ये पैरेलल है, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, दिखाइए यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई जीआर नहीं आ रहा है, इस पर कोई जीआर नहीं आता दोस्तों, ये तरह से एनसी का पॉइंट होता है, पर कई लोग इसको निकाल देते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखिए बीप आएगी और ये इसका यहाँ से पैलर में है, तो ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए होता है और ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपनी गाड़ी से साइलेंसर हटा दो तो आपका गाड़ी ही खराब हो जाएगा, इंजन आपका चोक हो जाएगा, वैसे ही कैपेसिटर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सर्किट मेरा अकॉर्डिंग बिल्कुल मैंने इस आईसी के स्कीमेटिक के हिसाब से बनाया हुआ है। अगर बात करूँ इसमें मेन चीज़ क्या है कि सर ये एक्टिव कब होता है, तो एक्टिव होता है जब इसको सीपीयू से इनेबल सिग्नल A4 के साथ में एक हाई वैल्यू रजिस्टर जब पैरेलल या एक लो वैल्यू रजिस्टर जब सीरीज में लग जाता है तभी एक्टिव हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको यहाँ बताता हूँ, दिखाइए, तो पहली बात तो ये A4 में कुछ नहीं लगा है क्योंकि ये इसका नोज कट पॉइंट है, इसके हिसाब से ये इसका A4 इधर बनता है, इसका A4 इधर बनता है, तो यहाँ पर तो ये इसके साथ में है नहीं है। यहाँ पर देखिए ये इसका एक्चुअल में EN सिग्नल, ये देखिए 473 जो GR यहाँ पर आपको दिख रहा है तो बिल्कुल सही है क्योंकि CPU के साथ कनेक्टेड है, और इसका हिसाब में रजिस्टर देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए, और ये पैरेलल में है और ये हाई वैल्यू एक रजिस्टर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, और ये रजिस्टर देखिए अगर आपको दिखाऊं कि कितने ओम्स का है, तो यहाँ से मैं रजिस्टर को दिखाता हूँ, देखिए मैंने 200 किलो ओम्स में यहाँ पर रखा हुआ है मल्टीमीटर को, और जैसे ही मैंने इसको रखाया यहाँ से यहाँ पर, तो देखिए मल्टीमीटर में दिखाइए, मल्टीमीटर में 33.7 किलो ओम्स का है, 33 किलो ओम्स का एक रजिस्टर लगा हुआ, दिखाइए यहाँ पर। जनरली यहाँ पर आपको 100 किलो ओम्स के लगे मिल सकते हैं, पर यहाँ पर जो लगा हुआ है वो 33.7 किलो ओम्स का लगा हुआ है, क्योंकि ये सर्किट यहाँ पर नहीं है, ये सर्किट इसका यहाँ है, यहाँ दिखाइए, ये D1 के साथ है, तो यहाँ पर जो हम रजिस्टर यहाँ लगा देते हैं, ये लगा देते हैं 33.7 के बेसिकली, ये बेसिकली नोट 4 का है जो आपका एक्चुअल सर्किट है। चलिए ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
तो दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं तो फिर से मैं इसको पूरा समझा देता हूं कि क्या क्या नहीं है। अगर मैं इस आईसी को जो ऑडियो की इनपुट सप्लाई मिलती है वो मिलती है A1 और A2 पर, यहां पर लाइन पी और एन पर बांटी गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो सप्लाई यहां मिलती है, दो सीरीज में कैपेसिटर आपको होते हैं। यहां पर आगे एक हाई वैल्यू रजिस्टर के साथ में और पहले एक लो वैल्यू रजिस्टर के साथ में लगा दिया जाता है। कैपेसिटर यहां पर से फिल्ट्रेशन का काम नहीं करते हैं, कैपेसिटर यहां पर फिल्ट्रेशन का काम नहीं करते हैं, कैपेसिटर फ्रिक्वेंसी को पास करने का काम करते हैं। कैपेसिटर का एक काम यह होता है भाई इसको वोल्टेज नहीं चाहिए, इसको फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे बीच में सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया। आप चाहे तो उसको बायपास भी कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, आईसी हीट होने का एक खतरा हो सकता है। मतलब खतरा क्या है, वो तो होगी ही, बट सेम टाइम नहीं, ठीक है। कोई भी चीज कभी एकदम से नहीं होती, पहले वो लीकेज और लीकेज से शॉर्ट होती है, ठीक है। तो ये दो उसके हो गए। अगर मैं बात करूं इस आईसी को ग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे ग्राउंड C2 में डाल दिया है और ग्राउंड C4 में डाल दिया, दो ग्राउंड यहाँ पे डाल दिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेफरेंस के लिए डाल दिया तो D3 यहाँ पे रेफरेंस के लिए डाल दिया। अगर मैं बात करूं इसको VCC चाहिए तो यहाँ पर VCC A3 और B3 में डाल दिया, 4 वोल्ट के साथ पावर आईसी के साथ। भाई ये लाइन भी ओपन हो गई तो उसको 4 वोल्ट नहीं मिलेंगे। आप इसको बायपास कर सकते हैं, आप इसको बायपास कर सकते हैं, इसको एक्टिव करने के लिए EN सिग्नल है, आप इसको बायपास कर सकते हैं। भाई EN सिग्नल कहीं से भी 1.8 वोल्टेज दे सकते हैं, बट अगर मैं बात करूं इस पूरे सर्किट में कि ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, D3 यहाँ पे रेफरेंस, ये मेरा रेफरेंस है, हम इसको बायपास नहीं कर सकते, लोग इसको भी बायपास कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली ये सर्किट है, बट बेसिकली हमारे पास ये आईसी लगाए ही नहीं है, हमारे पास है अब ये आईसी। आप बात करते हैं इस आईसी के, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर होपली अगर थक गए हो तो पानी पी लीजिए, और नहीं थके हो तो आइए कंटिन्यू आ जाइए, तो आ जाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस आईसी के साथ, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको 14 वोल्ट का आईसी मिलता है। यहाँ पर है सर्किट इस तरह का कुछ कि यहाँ पर A1, यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज हमने चलाया हुआ है, A1 B1 C1 और ये हमारा A1 A2 A3 इस तरह से, C1 C1 और C2 हमारा यहाँ पर B-BAT है, VCC यहाँ पर 4 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, ये हम चेक करेंगे। हमारा D2 और D4 हमारा आउटपुट हो गया है, D1 हमारा EN सिग्नल है, यहाँ पे हमें 1.8 वोल्टेज रजिस्टर के साथ मिलना चाहिए, ये हम चेक करेंगे। और हमारा यहाँ पर ये C4 रेफरेंस कैपेसिटर है जो कि मैंने आपको चेक कराया है, ये बेसिकली OL है। यहाँ पर बात करेंगे ये OL होगा, ये OL होगा, यहाँ पर जो GR आएगा वो आएगा 300 से आपको 900 के बीच में, यहाँ पर भी GR आएगा 300 से 900 के बीच में, यहाँ पर जो GR आएगा वो आएगा आपको 400 से 800 के बीच में, और यहाँ पर OL होगा। OL इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि IC नहीं है, जब IC लगेगी तो यहाँ पे GR पैदा होगा विद वोल्टेज के साथ में। यहाँ पर बात करेंगे तो ये हमारा एक जो एक कैपेसिटर्स होते हैं फिल्टर, इस आईसी को फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर होते हैं, इनको हम NC लाइन बुला सकते हैं। ये दो कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, एक A2 और A4 में, और एक लगा हुआ है A3 और एक लगा हुआ है A2 और A4 में, और एक लगा A3 और B4 में, और B3 को यहाँ पे और D3 को यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। चलिए, तो कभी भी ध्यान रखिएगा मैंने दोनों आईसी को आपको एक्सप्लेन किया होगा। अब कैसे जानेंगे कि कौन सी आईसी कौन सी है, तो आप इसके ग्राउंड के साथ, अगर C2 C4 आपको ग्राउंड मिलता है तो ये आईसी का सर्किट ये है, और अगर आपको यहाँ पर B3 और D3 ग्राउंड मिलता है तो इस आईसी का सर्किट ये है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं तो यहाँ पे हमने इसको बी मोड पे किया, ये देखिए इसका मतलब है ये कि B3 ये बी, ये हो गया आपका B3 और ये हो गया आपका यहाँ पर D3, दिखाइए, देखिए B3 और D3, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा हो गया A1, यहां पर देखिए ये रजिस्टर, ये रजिस्टर यहां पर लगा हुआ हाई वैल्यू, मैं आपको दिखाता हूं कितने वैल्यू का लगा हुआ है, 200 के पे मैंने रखा, और रजिस्टर को यहां पर दिखाएंगे, देखिए 5.5 के का रजिस्टर लगा हुआ है, दिखाइए यहां पर, इसलिए ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से होते हुए ये देखिए यहां पर जा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आएगी, कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहां से होते हुए यहां जा रहा है, पर ये 0 ओम्स का लगा हुआ, अगर ये भी हट जाएगा ना तो आपका रिंगर काम नहीं करेगा, कितनी भी आईसी बदल लो नहीं करेगा, सर्किट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ये रजिस्टर वाकई में क्या इस आईसी में जा रहा है क्या, क्योंकि ये हमारी मेन पावर है, हम पावर को निकालेंगे, और ये हमारा सेट चालू है, हम फिर भी पावर को निकालेंगे और आपको समझाएंगे कि वाकई में क्या इधर जा रहा है क्या। तो एक बार आपको एक वोल्टेज के साथ समझाते हैं, दिखाइए यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पे लगा के रखा हुआ है अपना बैटरी, अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि अच्छा काम करना है तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो।
तो देखिए फोन हमारा चालू है यहाँ पर, और यहाँ हमने रिंगर को इस तरह से कुछ जम्पर मार कर रखा हुआ है, क्योंकि इसके रिंगर का ऊपर का अभी हम यहाँ पे हमने कोई दूसरा रिंगर यहाँ पे लगा के चेक करने के लिए, क्योंकि इसके बोर्ड में रिंगर का भी फॉल्ट है, तो हमने रिंगर बदला था, तो अभी हम रिंगर को इसको सेट करके देंगे। फिलहाल तो अभी इसको समझाने के लिए हमने बताया यहाँ पे नोट 3 का हमने लगा के रखा हुआ है। तो देखिए फ़ोन हमारा चालू हो गया है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम एक गाना प्ले कर लेते हैं, यहाँ पर प्ले कर लेते हैं। अच्छा यहाँ हमने गाने को लोड करके रखा हुआ है, तो प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फाइल फोल्डर में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ हम डाउनलोड पर जाएंगे। देखिए तेरे नाम करके कि हमने गाना डाउनलोड करके रखा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ये गाना प्ले हो रहा है पर बज नहीं रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तो शुरू से आपको दिखाते हैं बेसिकली। तो दोस्तों आईसी निकली हुई है तो गाना बजेगा नहीं ना, आईसी निकली हुई है पर वोल्टेज चेक करना जरूर आना चाहिए। तो वोल्टेज को लगा दीजिए यहाँ पर, पहले यहाँ दिखाइएगा, जब वोल्टेज दिखाना होगा तो यहाँ दिखाइएगा। देखिएगा हमने यहाँ पे 20 वोल्ट पे यहाँ पे सेट करके रखा हुआ, दिखाइए यहाँ पर। तो देखिए तो मैंने एक सिरे को कर दिया आपके सामने ग्राउंड, अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं दिखाई है, ऊपर देखिए कोई भी यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो मुझे वोल्टेज किधर आएगा, EN सिग्नल पर, देखिएगा दिखाइए यहाँ पर, देखिए 1.8 वोल्ट आ रहा है, दिखाइए यहाँ पर, यहाँ पर ये मेरा है, ये ए, ये मेरा है D1 पर, दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए D1 पर यहाँ पर मेरे को EN सिग्नल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। रजिस्टर है, निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ ऑडियो की फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा, सिर्फ यही आएगा VCC, यहाँ पर देख लेते हैं VPH, दिखाइए यहाँ पर, देखिए 4 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, दिखाइए यहाँ पर, देखिए 4 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं ये ऑडियो की फ्रिक्वेंसी के साथ, देखिए सीरीज में कैपेसिटर की लाइन जा रही है, तो यहाँ पे दिखाइए कोई वोल्टेज, देखिए यहाँ पर, तो देखेंगे आप यहाँ पर 0.00 आ गया है, मतलब कोई वोल्टेज नहीं है, पर यहाँ पे कैपेसिटर के सेम अगर यहाँ लगाएंगे तो भी कोई वोल्टेज नहीं, पर यहाँ लगाएंगे 0.7 वोल्टेज, दिखाइए, देखिए 0.7 वोल्टेज, ये आपका स्टेल है, दिखाइए यहाँ पर, देखिए 0.7 वोल्टेज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 0.7 वोल्टेज दिखेगा, देखिए अब दिखाइए यहाँ पर, अब अगर मैं इसको यहाँ पर टच करूंगा तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा, दिखाइए, देखिए 0 हो जाएगा वोल्टेज, देखिए 0 हो रहा है, ये लाइन बिल्कुल सही है, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। चलिए ये IC बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आइए इस पावर IC को निकाल देते हैं और इसके अंदर की कंटिन्यूटी देखते हैं कि क्या वाकई में ऑडियो IC पावर के अंदर लगी है कि नहीं, चेक करते हैं।
आईसी, मेन पावर आईसी निकाल दी 8953। अब आप सोच रहे होंगे मेन क्यों, क्योंकि इसमें दो पावर आईसी है। मैं दूसरी पावर आईसी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दूसरी पावर आईसी ये लगी है, ये है PMI 8952। यहाँ पर PMI 8952 लगी है, उसके बाद भी मैंने ये आईसी निकाली, क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ दिखाइए, पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ, दिखाइए यहाँ पर मैंने कैपेसिटर के साथ में, और दोस्तों यहाँ पर बेसिकली सिर्फ ये और ये लगा हुआ है। जनरली सर्किटों में सीरीज में रजिस्टर भी लगते हैं, क्योंकि मैंने एंडलेस सर्किट दिखाना है, मुझे बताना है कि पूरी तरीके से ये सर्किट कहाँ जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये बना दिया है। हालांकि नोट 4 में ये दो रजिस्टर नहीं लगे हैं, डायरेक्ट कैपेसिटर से आपके पावर आईसी में जा रहा है, एक जा रहा है आपका 66 और एक जा रहा है आपका 67 नंबर के बल्ब पे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सीरीज में दो रजिस्टर हैं, यहाँ पे 3.3 के है, पर एक्चुअल में 5.5 के है, पर हाँ क्योंकि हम निकालेंगे तो सकता है मैं एग्जैक्ट वैल्यू पता भी चल जाए। तो यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं, इस लाइन को हम क्लिक करते हैं, तो ये देखिए लाइन हमारा चला जाता है इधर और ये हमारा से 7 पे जा रहा है एक आईसी में। तो इस आईसी को हम थोड़ा डिटेलिंग करेंगे और देखेंगे कि आईसी कहाँ जा रहा है। सो ये आईसी हमारा, अगर मैं इसको ऊपर करूँ यहाँ पर देखिएगा, ओके तो ये देखिए ये हमारा जा रहा है PM 8953 में। सो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं स्पीकर ड्राइवर यहाँ पे पॉजिटिव, स्पीकर ड्राइवर नेगेटिव, और बेसिकली यहाँ पर ये CDC जो आप देख रहे होंगे ना, तो CDC का मतलब ये कोडेक, ये एक कोडेक प्रोग्रामिंग आईसी है। मतलब ये आपका आईसी पावर तो है, पर ये आपकी प्रोग्रामिंग को, इसमें कोडेक की भी प्रोग्रामिंग की हुई है अलग से। ओके सो अब देखते हैं ये लाइन कहाँ कनेक्ट होता है, देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग के हिसाब से ना ये आ रहा है इसका 6-7। यहाँ पे मैं टच करता हूँ देखिए, और यहाँ पर देखिए एक सिरा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक सिरा, मैं यहाँ पर टच करूंगा, ये कैपेसिटर है, देखिए पहले मैं आपको ग्राउंड देखिए, ताकि आपको ना लगे ग्राउंड के साथ टच कर रहा हूँ। ये देखिए ये ग्राउंड नहीं है ना, ये भी क्योंकि ये आउटपुट है, ये एक्चुअली इनपुट है। तो यहाँ से मैं एक सिरा यहाँ टच करता हूँ, देखिएगा मैंने एक सिरा यहाँ टच किया हुआ है और एक सिरा मैं यहाँ टच करूंगा, देखिए बीप आ गई। तो क्यों? क्योंकि कनेक्ट इंटरनली सर्किट से कनेक्टेड है। अब एक सिरा मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, ठीक है ये देखिए, और एक सिरा मैं यहाँ टच करूंगा, ये देखिए बीप आ गई, क्योंकि ये है 6-7 और ये है 6-6-6 एंड 6-7। दोस्तों अगर ये आईसी, अगर मान लो ये पैड आपका उखड़ जाए या ये आपका ट्रैक ओपन हो जाए, तो ये ट्रैक को आप यहाँ से आप माइक्रो जंपिंग कर सकते हो, आप इस आईसी को निकाल सकते हो। बट कई बार बोलते हैं सर ऑडियो आईसी बदल दी, सर पावर आईसी बदल दी, सर रिंगर आईसी बदल दी, सर फिर भी रिंगर नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? अरे एनलेस यार, सीखो इतने लेवल पे सीखो कि आपको लगे यार कि यहाँ से सीखूंगा ना तो फिर कहीं कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो चलिए ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए पावर आईसी निकाली है, आइए पावर आईसी को लगाते हैं और रिंगर आईसी को लगाते हैं और देखते हैं आउटपुट वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है। We'll be right back.
हमारी रिंगर आईसी भी लग गई है। तो हमने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताता हूँ। हमारे पास बोर्ड था जब मैं रिंगर काम नहीं कर रहा था, मसला आईसी का था, आईसी बदल देते। बट हमने आपके लिए बनाया, दिखाई यहाँ पर हमने आपके लिए बनाया एक सर्किट। यहाँ पर हमने बताया कि हमें जो डायग्राम में मिला वो सर्किट वन था, पर एक्चुअल में उसका सर्किट था टू। तो यहाँ पर हमने उसको एक्सप्लेन किया आपको स्कीमेटिक में, और हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि भाई रिंगर खराब होने के बाद पावर में भी दिक्कत आ सकती है, और पावर का मतलब होता है ऑडियो आईसी। सो हमारा यहाँ पर लग गया है। अब एक बार हम अपना जीआर चेक करेंगे और इस फोन को ऑन करेंगे। दिखाइए यहाँ पर, देखिए फोन अभी थोड़ा सा गर्म है, पीसीबी हीट है, थोड़ी हीटेड है। एक्चुअल पंखा तेज चल रहा, फोन में ऐसे ही दिखा है, एक एक पंखड़ी चल रही है उसकी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर दिखाइए, देखिए अब हम जीआर दिखाते हैं। आईसी लगाने के बाद यहाँ पर दिखाइए, हमें डी यहाँ पर बेसिकली D2 और D4 पे हमें यहाँ पे वोल्ट रीडिंग्स मिलनी चाहिए। देखिएगा, चेक करते हैं, वहाँ दिखाइए। देखिए अब हमें यहाँ पे GR मिल जाना चाहिए। देखिए देखिए यहाँ दिखाइए, देखिए देख रहा हो आप, देख रहे होंगे यहाँ पे GR हमको मिल रहा है 528। और यहाँ पे दिखाइए, तो देखिए यहाँ पे भी जी हमें, देखिए यहाँ पे दिखाइए 528। ठीक है, तो अब चलिए इस बोर्ड को ऑन करते हैं और देखते हैं कि रिंगर बज रहा है कि नहीं बज रहा है। बहुत बढ़िया सीन आ रहा है, ऐसे चलते रहो। ठीक है, तो दोस्तों तेरे नाम, ऐसा ही हमने तेरे नाम सर्किट किया, थे सर्किट तेरे नाम है। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सर्किट पसंद आया हो और आपको सीखने को मिला हो। और अगर मिला है तो वाकई में तो एक लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब। और दोस्तों सच बताइए, ये वीडियो वाकई में आपको सीखने को मिला ना, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए। और आप ये चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मिले, ऐसे ही कुछ मैं आपसे बैठकर, आपसे आईसी निकलवा कर,
या आपसे लगवा कर और आपको चालू करवाऊं, तो आप सोचिए आपको कितना सीखने को मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, हमारे नीचे दिए नंबर पर कॉल करें। अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो www.acertelecom.info पर जाएं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-103-7001 पर कॉल करें या हमारे दूसरे नंबर से उस पर कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन हम नहीं पढ़ाते, ना ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सो हमारा टाइम उसके लिए वेस्ट ना करें। बाकी ऑफलाइन करना है तो बिल्कुल दिमाग में रखें कि मुझे प्रैक्टिकल सीखना है और मुझे आगे बहुत अच्छा काम करना है। हम यहाँ पर मार्केट में किंग नहीं बनाते दोस्तों, हम यहाँ मार्केट का किंग नहीं बनाते, हम सेटिस्फैक्शन हम सिखाएंगे, आप किंग खुद बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ सीखने के, तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए आप, और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज़ है पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा, जो कि कोई दूसरा शायद ही दे पाए। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर वन पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा, वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है ये, बिल्कुल नई नई चीज है। हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल, नए सर्किट आ रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडमी नोट 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे। पर उनका क्या, जो सिर्फ 6 लैग की आईसी सीख कर चलेगा या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लैग उसके ऊपर क्या। तो वही चीज है, एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो। क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1,000 स्टूडेंट से ज्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर वन पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस। मतलब यहां से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अपने टीचर, कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप EMMC लेवल तक के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे, और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर फिर आपको मिलेगा यहां पर, दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया, कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे रेडमी नोट 8 प्रो की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है, या पावर आईसी के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो, जैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट EN जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल, जो उनकी सप्लाइयां हैं, वो सारी सप्लाइयां उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट दे ही देता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा, और आपका आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बहुत बड़ी लेवल पे हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के, आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने एक मेहनत से पैसा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया, और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। यहाँ हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जुड़े रहे इसी तरह, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट तरीको और फिल्म तरीको आने वाले समय में देने वाले हमारे और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत।
एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए इनके लिए, आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.